पिछले एक दशक तो चीन का विकास अमरीका नालों 7 गुणा ज़्यादा होया है। चीन के लोग हर सैकंड में 50,000 सिगरट पी जाते हैं। दुनिया का सब तो पुराना कागज का टुकड़ा चीन में मिले। यह कागज का टुकड़ा इन्ना मजबूत है कि लोग इसे कपड़ा बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते। चीन की एक बचत की नीति के कारण मुंडियां की गिनती 3,20,00,000 कुड़ियों तो ज़्यादा है। फ्यूचर में नौजवानों को वोटियां मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। चीनी स्वाद भोजन के चक्कर में 40,00,000 बिल्लियां खा जाते हैं। दुनिया का सब तो बड़ा शॉपिंग मॉल चीन में है जो 2005 तो 99% खाली पिया है। इटली में ईसाई धर्म का जन्म होया, फिर भी चीन में 5,40,00,000 ईसाई रहते हैं, जबकि इटली 4,74,00,000। चीन में अमीर लोग अपनी जगह दूजे जेल भेज सकते हैं। चीन में सब तो ज़्यादा जड़वा बच्चे पैदा होते हैं। दुनिया के बाकी सारे देशों नालों चीन में 3 गुणा ज़्यादा मौत की सज़ा दी जाती है। चीन के लोग इन्नी ज़्यादा खुदकुशी करते हैं कि तुहानू नदी विचों डेड बॉडी कढ़ने की नौकरी भी मिल सकती है। चीनी भाषा दुनिया की सब तो ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूजे नंबर पर इंग्लिश है, तीजे नंबर पर हिंदी है। चीन में 2009 तो फेसबुक ते ट्विटर ते बैन है। चीन के संघाई शहर में लाल रंग की कार रखना बैन है। सब तो पहले चीनियों ने पता लगाया कि खून साढ़े शरीर में चक्कर लगाया है। यूरोप वालों को 17वीं सदी पता लग्या, जिसकी खोज विलियम हार्वे ने की। चीन 2008 में अजिहा तीसरा देश बन गया जिसने मनुख को अंतरिक्ष भेजा। 27 सितंबर 2008 जाई जिगेंग अंतरिक्ष गया। चीन की दीवार इंसान द्वारा बनाई गई दुनिया की सब तो वड्डी चीज़ है, जिसकी लंबाई 8,848 किलोमीटर है। दुनिया का हर पांचवां इंसान चीनी है। टॉयलेट पेपर की खोज 1300 ईस्वी में चीनियों ने की। चीनियों ने कागज़, कंपास, बरूद, छापाखाना ते सुई की खोज की। चीनियों ने 3000 साल पहले पतंग की खोज की, जो दुश्मन डराने दी ते मनोरंजन के काम लई वरता जाता है। चीन का इन्ना बड़ा खेत्रफल होने के बावजूद भी एक ही टाइम जोन है। चीन का टाइम जोन +500 है, भारत का टाइम जोन +530 है। कई इतिहासकार यह मानते हैं कि फुटबॉल की खोज 1000 साल पहले चीनियों ने की। चीनियों का ज़्यादातर शौक टिकटा कट्ठिया करना है। 103 ईस्वी में जे हींग नाँ के खगोल शास्त्री ने भूकंप नापन वाले यंत्र की खोज की। चीन ने आइसक्रीम ते नूडल की खोज की। चीन के एक सरकारी कर्मचारी सू सोंग ने 1088 तो लेके 1092 एक मकैनिकल घड़ी बनाई सी, जो टाइम के नाल तारियां की पोजिशन भी दसदी सी। तीर कमान का इस्तेमाल सब तो पहला चीनियों ने किया। फैक्ट चंगे लगे तो शेयर कर दो जी। धन्यवाद।